कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मिशन यूपी में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि वो यूपी में संगठन को नई धार देने की तैयारी में है। यूपी में कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने के लिए प्रियंका जी जान से जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभार मिला था। चुनाव में तो उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन अपने चुनावी अभियान की वजह से वो खासी चर्चा में आई। चुनाव के बाद उन्होंने पूरे यूपी का जिम्मा संभाल लिया है। प्रदेश के बड़े छोटे मामलों पर उनकी सक्रियता साफ नजर आ रही है। अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में संगठन को धार देने में जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी जी जब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में संघर्ष किया है और वो आगे भी करेंगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रियंका प्रदेश में नए अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में है। इसके तहत न सिर्फ कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि नए प्रदेश अध्यक्ष को भी चुना जाएगा। प्रियंका गांधी को भी पता है अगर वो अपने संगठन को सक्रिय नहीं करेंगी, मजबूत नहीं करेंगी, एक ठोस विकल्प के रूप में जनता के मन में नहीं स्थापित करेंगी तो 2022 में भी वही होगा जो पिछले चुनावों में होता रहा है। हालांकि विरोधी पार्टियां कांग्रेस के प्रियंका फैक्टर को नाकाम बता रही है। कांग्रेस की जो परिस्थिति है, जो गांधी परिवार की जो स्थिति है, उसको देख के नहीं लगता कि ये सड़क पर उतर सकते हैं। ट्वीट के सहारे राजनीति चलाने का प्रयास श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जरूर कर रही हैं। कांग्रेस को पहले अपने संगठन बनाने की जरूरत है। जब संगठन में लोग रहेंगे तभी धरना प्रदर्शन कोई भी सफल होता है। आज देख लीजिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थिति किस तरीके से आम जनमानस की लड़ाई को लेकर विधानसभा से राजभवन तक घेरने का काम कर रही है। विरोधी भले ही प्रियंका के प्रभाव को नकार रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनभद्र जैसे मामलों में उनकी सक्रियता ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। और अगर प्रियंका आगे भी जनता के बीच इसी तरह पहुंचती हैं, तो कांग्रेस को इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। हरेंद्र चौधरी, न्यूज़ 8, लखनऊ।